हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में देखेंगे। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य को लेके जो वर्गीकरण किया था उसके बारे में हम आज जानेंगे। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे यूज़ किया था। काफ़ी ईजी नोट्स है और आप इसे एक बार देखेंगे तो आपको भी काफ़ी ईजी लगेगा और आप भी इसको समझ पाएंगे। ये बीएड एग्ज़ाम में पूछता ही है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम्स में आते हैं। सीटेट यूपीटेट हर एग्ज़ाम में आता है। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लूम वर्गीकरण यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी। सबसे पहले हम ब्लूम के बारे में जानेंगे कि ब्लूम थे कौन। बेंजामिन ब्लूम, उनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। उनका जो जन्म था वो 1913 एंड डेथ थी 1999। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इस वर्गीकरण को दर्शाया, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुई। वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधारित है। जैसे एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है, यह सब ब्लूम के वर्गीकरण की ही देन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इस तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य समाहित है। यानी ब्लूम के टैक्सोनॉमी में जो तीन डोमेन्स यानी तीन पक्ष जो थे वो तीन थे। पहला था संज्ञानात्मक, जिसे हम ज्ञानात्मक पक्ष भी बोलते हैं, इंग्लिश में से कॉग्निटिव डोमेन्स कहते हैं। दूसरा है भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन्स। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में साइकोमोटर डोमेन्स भी कहते हैं। तो ये तीन डोमेन्स जो है ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी में दिए। इसके साथ इन तीनों पक्षों को आधार मानकर बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया तथा प्रत्येक पक्ष के छह उद्देश्य दिए। यानी तीनों पक्ष के जो भी तीन डोमेन थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, इन तीनों के छह छह उद्देश्य दिए। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का जो है ब्लूम ने 1965 में, भावात्मक पक्ष का ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा ने 1964 में तथा क्रियात्मक पक्ष का सिंपसन ने 1963 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, ब्लूम के साथ उनके कुछ सहयोगी भी थे जिन्होंने वर्गीकरण को पूर्ण करने में उनका सहयोग किया। अब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के वर्गीकरण को सारणी के फॉर्म में देखेंगे। कुछ इस तरीके से उन्होंने वर्गीकरण किया था। ये तीनों पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष के छः छः उद्देश्य यहाँ सारणी में लिखे हुए हैं। तो पहले ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में देखते हैं, जिसमें छः उद्देश्य थे। पहला था ज्ञान, नॉलेज, बोध, कम्प्रिहेंसन। तीसरा था प्रयोग, एप्लीकेशन। चौथा विश्लेषण यानी एनालिसिस। पाँचवा संश्लेषण यानी सिंथेसिस। और छठा था मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। दूसरा था भावनात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन्स। इसमें भी छह उद्देश्य थे। पहला है ग्रहण करना यानी रिसीविंग। दूसरा प्रतिक्रिया या अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। तीसरा अनुमूल्यन वैल्यूइंग। चौथा विचारना या धारणा यानी कॉन्सेप्टलाइजेशन। पांचवा व्यवस्थापना यानी ऑर्गेनाइजेशन। और छठा था चारित्रीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन। क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन में जो उद्देश्य थे उनके बारे में देखते हैं। पहला था उत्तेजना यानी इम्पल्सन। दूसरा था कार्यवाही यानी मैनिपुलेशन। तीसरा था नियंत्रण यानी कोऑर्डिनेशन। चौथा था समायोजन यानी कोऑर्डिनेशन। पांचवा स्वभावीकरण यानी नेचुरलाइजेशन। छठा था आदत या कौशल यानी हैबिट और स्किल। तो ये कुछ इस तरीके से सारणी के द्वारा इनके उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया था। अब हम एक एक करके इन तीनों पक्षों के छह उद्देश्यों को हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब हम बात करेंगे ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में। ठीक है, ज्ञानात्मक एवं संज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में
तो जैसा कि मैंने बताया था कि हर जो भी डोमेन्स थे सबके 6-6 उद्देश्य थे, ठीक है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो 6 उद्देश्य थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला था ज्ञान यानी नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज के बारे में ब्लूम ने क्या कहा, ब्लूम ने नॉलेज को पहले स्थान पर रखा। उनका मानना था कि बिना नॉलेज के किसी भी पॉइंट की हम कल्पना नहीं कर सकते, यानी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ज्ञान में यानी नॉलेज में उन्होंने बताया, ज्ञान को ब्लूम ने पहले स्थान पर रखा क्योंकि बिना ज्ञान के सभी बिंदुओं की कल्पना करना असंभव है। जब तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है। अगर संभव हो भी जाए तो सही दिशा नहीं मिल पाती। इसलिए ब्लूम के वर्गीकरण में इसका इसकी महत्ता को प्रथम स्थान दिया गया, ठीक है। दूसरा उनका जो उद्देश्य था वो था बोध यानी कम्प्रीहेंसिव, ठीक। कम्प्रीहेंसिव उन्होंने बताया कि ज्ञान का बोध होना तथा समझना, उसके सभी पहलुओं से परिचित होना एवं उसके गुण दोषों के संबंध में ज्ञान अर्जित करना बोध है। यानी जो भी ज्ञान हमें प्राप्त है उसका हमें बोध होना चाहिए कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो सही है या गलत ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है इसके बारे में। तीसरा है अनुप्रयोग, ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप देना अनुप्रयोग कहलाता है। प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में लागू करना अनुप्रयोग है। यानी जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है जब उस ज्ञान की ज़रूरत होगी तो हम उसे उस जगह पर प्रयोग कर सकेंगे, यही अनुप्रयोग है। चौथा उद्देश्य था उनका विश्लेषण यानी एनालिसिस। ब्लूम का मानना था कि विश्लेषण शब्द से तात्पर्य तोड़ना से है, ठीक है। और अर्थात तोड़ना से अर्थात किसी भी बड़े प्रकरण यानी टॉपिक को समझने के लिए छोटे छोटे भागों में विभक्त करना एवं नवीन ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है, तथा नवीन विचारों की खोज करना। यह ब्लूम का विचार समस्या समाधान में भी सहायक है, ठीक। विश्लेषण में यही बताया गया है, ब्लूम का ये मानना था कि विश्लेषण मतलब तोड़ना, अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको समझने के लिए हमें छोटे छोटे उसको जो है भागों में विभक्त कर देना चाहिए, ताकि उसमें जो है छोटे छोटे भागों में विभक्त करने से हमें वो जो ज्ञान है वो इजीली प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो उसके बारे में इन्होंने विश्लेषण उद्देश्य दिया। उसके बाद पांचवा था संश्लेषण, प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, ठीक, उन्हें एकत्रित करना अर्थात उनको जोड़ एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। उसके बाद छठा जो उनका उद्देश्य था वो था मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। सब करने के पश्चात इस नवीन ज्ञान का मूल्यांकन करना कि वह वैध है यानी वैलिडिटी उसकी है एवं विश्वसनीय यानी रिलायबल है या नहीं, ठीक है। इसको जानने के लिए उन्होंने मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का उद्देश्य दिया, ठीक। जिस उद्देश्य व ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया है वह उस उद्देश्य के प्राप्ति करने में सक्षम है या नहीं है यह मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जा सकता था। तो ज्ञानात्मक डोमेन्स यानी कॉग्निटिव डोमेन्स में जो है ये कुछ 6 उद्देश्य दिए गए थे, ठीक। इसके बाद जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी उसको संशोधित रूप दिया एंडरसन और कृतवाल ने, ठीक। एंडरसन और कृतवाल ने जो है ब्लूम के टैक्सोनॉमी में संशोधन किया और आज उसे वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें कुछ परिवर्तन किए चेंजेस किए और जिसको जो है बाद में रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 6 उद्देश्य दिए बट जो है कुछ सीक्वेंसेस में चेंज कर दिए। उन्होंने जो है ज्ञान की जगह पे स्मरण को रखा, ठीक, ज्ञान की जगह पे उन्होंने स्मरण को रखा यानी रिमेम्बरिंग। दूसरा उन्होंने रखा समझना यानी अंडरस्टैंडिंग। तीसरा उन्होंने रखा बोध की जगह पे उन्होंने समझना रखा। तीसरे की जगह पे लागू करना अप्लाई, ठीक है। तो ये तो सही एप्लीकेशन था ब्लूम के टैक्सोनॉमी में भी। उसके बाद चौथा विश्लेषण सेम,
पांचवा मूल्यांकन सिंथेसिस या पे उन्होंने मूल्यांकन रखा यानी इवेल्युएशन, और उसके बाद मूल्यांकन की जगह पे इन लोगों ने रचना यानी क्रिएटिंग रखा। ठीक है, तो ये कुछ रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो है रिजल्ट था। ये छह उद्देश्य इसमें बताया गया। ठीक है, तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के ये कुछ है वो थे। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे और एग्ज़ाम में जो है इसको लिख भी पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए। इसका जो सेकंड पार्ट है, इससे आगे का जो है मैं वो लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।